हम मिडिल क्लास लड़कों की दो ही ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, दूसरी तो लद्दाख और पहला नंबर में आता है हमारे श्री केदारनाथ। यह हम लोगों का कैंप वहाँ पे है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा? बहुत ठंडा है। ठंडा? हाँ भाई ठंडा तो है। बाकी पलटन लोग हमारे बहुत ठंडा लग रहा है। बहुत ठंडा लग रहा है। बहुत ठंडा। ठंडा का नाम मत लो। अच्छा ये लोग सारे नहाने का प्लानिंग कर रहे हैं जो हमको नहीं लगता है कि सही है। मुमकिन नहीं आज नहाना। हम लोग केदारनाथ में बेस कैंप में निकलेंगे यहाँ से। उस जगह पे मंदिर है, ज्यादा दूर है नहीं, 1 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग। इसीलिए रुक गए थे क्योंकि वहाँ पे जल्दी कैंप नहीं मिलता है और बहुत मजा, बहुत मजा। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए। रात में 9-10 बजे के आसपास हम लोग डिनर किए। डिनर के टाइम में ये जो पहाड़ जो लग रहा था ना बीच से, ये वाला ऐसे लग रहा था ना कोई वॉलपेपर चिपकाया हुआ है दोनों पहाड़ के आगे। जिगर में दम नहीं था, थोड़ा सा धूप उगेगा उसके बाद फिर हम लोग उधर निकलेंगे क्योंकि हमारा हालत अभी से टाइट है। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहो, आगे हम लोग बढ़े जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारा का सारा अपडेट देते जाएंगे। ये नज़ारा देख के आपको कैसा लग रहा है? स्पीचलेस। जाने का मन कर रहा है, जाने का। वाह सही बात। कूद जाने का मन कर रहा है उधर तो हमें। ऐसे इसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो यहाँ यहाँ का फील कर सकता है। सही बात है। जितना भी एक्सप्लेन करेंगे ना भाई, यहाँ पर जो हम लोग को फील हो रहा है इतना ठंडा लग रहा है फिर भी हम लोग जबरदस्ती बाहर निकल के जो देख रहे हैं ना, कहाँ से आ रहा है इतना एनर्जी भाई। तो सही है हमारे। थोड़ा देर के बाद हम लोग फ्रेश होके यहाँ से बढ़ते हैं। बने रहो आप लोग। धीरे धीरे धूप निकल रहा है तो थोड़ा सा आराम लग रहा है। हिम्मत जुटाया जा रहा है नहाने का, एक दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है। हाँ कि नहा ले भाई, 4 दिन से नहीं नहाया है, ठिठर रहा है। धूप आ गई है तो थोड़ी बहुत हिम्मत हो रही है, नहीं तो आज भी कल्याण है। अभी नहा के आ रहे हैं। कैसा रहा? मजा आ गया नहीं? जिसके अंदर हिम्मत है नहा के दिखाओ। पहला चैलेंज माइंड ब्लॉक हो गया है। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। इसी से पता चलता है कि तुम झारखंड का आदमी है। जियो जियो भाई जियो। जल्दी कर, और भी लोग लाइट पे है, जल्दी कर। चलो भाई जिग रहा है लड़के। मेरा बारी आने का हमको डर है। हम लोगों का बारी आने का हम लोगों को डर है। हम लोगों को बहुत ज्यादा डर है। कैसा लग रहा है भैया? भाई चांद पे खेल गए भाई। पूरा लाल हो गया तेरा नाक यार। 3 डिग्री सेल्सियस रात में माइनस में चला गया था। 6 डिग्री माइनस गया था रात में। और अभी सब लोग ऐसे ही हुलिया में अभी निकलेंगे। नज़र जो आ रहे हैं ये देख रहे हैं, हीरो बन रहे हैं यहाँ पे आके। पता चलेगा बुच्चू। बहुत जोर से ठंडा लग रहा है। ऐसे ही जाना पसंद करिएगा। जैकेट मार के जाएंगे। बारिश होना शुरू हो गया है और अभी हम लोग कैंप के अंदर में हैं तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर जाते ही क्या होने वाला है भगवान जाने। टोकन कटवा लेना पड़ेगा पूजा के लिए। भैया टोकन के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन और बारिश होना शुरू हो गई है और सब लोग यहाँ पर टोकन कटाने के लिए रुके हुए हैं और रजिस्ट्रेशन में हम लोग को थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना ट्रेन में ही। 1 ATM आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और बाकी उधर में देखते हैं आगे और ATM होगा तो। यहाँ तो कैश नहीं था
भाई बारिश होना शुरू हो गई और बात बात में यहाँ पे ओले पड़ने लगते हैं। प्रसादी पहले लेना है उसके बाद फिर जाना है। प्रसादी कितना? 200 है, 250 है, 500 है। 200, 250, 500, क्या क्या है इसमें? 200 वाले में कोई कपड़ा नहीं है, 250 वाले में कपड़ा है और माला 500 वाले में माला है। बड़ा प्रसाद है इसके अंदर। 200, 250, 500 है प्रसादी का रेट, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी थोड़ी बहुत अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो। पूजा हो गई है और अंदर में कैमरा अलाउड नहीं था। जो पत्थर लगा हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और चप्पल पहन के जूता पहन के तो आप रह नहीं सकते हो। यहाँ पे पूजा भी करनी होती है। देख भाई हम लोग का जूता में इतना इतना ये जम गया है बर्फ। देख के मारे तुमको धुंधे में पानी यहाँ से भरना है ऊपर में भैरव बाबा के मंदिर के लिए। अभी भीमकाय शिला के पास जा रहे हैं हम लोग। जो आपदा के टाइम में ये आके खड़ी हो गई थी बीच में और टेंपल को कुछ भी नहीं हुआ। रेनकोट दो काम कर रहा है, एक तो पानी से भी बचा रहा है, ऊपर से हवा जो चल रही है ना यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा उससे भी बचा रहा है। यहाँ पे आरती वारती होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैरव बाबा मंदिर का दर्शन करने के लिए हम लोग जाने वाले थे लेकिन मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से और स्नोफॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश भी साथ में, तो ऊपर जाना थोड़ा सा डेंजरस है। हेलो, भोलेनाथ का नाम लेके अब आगे बढ़ना चाहिए। सेक लिए, ठंडा बहुत ठंडा लग रहा था, सेक लिए, अभी थोड़ा सा कम उतना लग नहीं रहा है, स्नो फॉलिंग कम ही नहीं हो रही है। और सारे दोस्त लोग नीचे उतर गए हैं, वहीं ऊपर था मंदिर के पास। हम लोगों का भैरवनाथ मंदिर टेंपल जाने का प्लानिंग कैंसिल करना पड़ा ये स्नो फॉल और बारिश की वजह से। भूख लग गया है तो हम लोग वेट कर रहे हैं खाना का, अभी कितना लेट में आता है देखते हैं। क्योंकि ऊपर का प्लानिंग कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, और नहीं तो फिर ऊपर जाते तो खाना पीना नहीं खाते अभी। यहाँ तो काम कर नहीं रहे कैसे क्या, दोनों हाथ लगाना पड़ रहा है। मैं गर्म गर्म ही मेरा दुख रहा है, ये वाला उंगली टूट रही है हमारे। खाना पीना तो हो गया, खाना पीना खा के निकले। वैसे तो ओला पड़ ही रहा था अभी से, ओला पड़ रहा था तो हम लोग खाना पीना खा रहे थे तब तक। उसके बाद जो हम लोग बाहर निकले ना तो नज़ारा देखो, सब पहाड़ में बर्फ बर्फ जम गया सब पहाड़। यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर था, टेंपल था, वहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि बारिश में जाना बहुत डेंजर है वहाँ। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं और कैंप में थोड़ा देर स्लीपिंग बैग में घुसेंगे। थोड़ी बहुत हम लोगों के गर्म कपड़े भी भींग गए हैं तो किसी तरह से उसको सुखाने का जुगाड़ करना पड़ेगा और नहीं तो फिर आगे का ट्रिप में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है।
जिन लोगों को जरूरत होती है यहाँ से गौरीकुंड जाने का वो लोग जा सकते हैं। पाँच पाँच दस दस मिनट में आती रहती है और जाती रहती है, तो चौपर के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आओ जाओ। हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पर इसमें ये वाला कैंप में नाली नहीं बना हुआ, साइड साइड में तो पानी घुस सकता है, ये बगल वाला खाली है उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ भाई, अंधेरा में कुछ तो दिख नहीं रहा है लेकिन ये जरूर चमक रहा है, देखिए रात भर चमकता है ये, रात भर स्नोफॉल नहीं होता तो हमें नजारे नहीं मिलते। फोटो क्लिक नहीं हो पाया, बाकी ढाप ढाप के ब्लॉक कर लिए हैं और ठंडा पानी से किसी तरह से तो वाट लगा लिए ना। हाँ इतने सज धज के गए थे, अगर नहीं नहाता ना तो और ठंडा लगता, ये भी हो सकता था। कितना बढ़िया से सज धज, चलो 50 गो आदमी सब अथी किया था, क्या बोलते हैं, सहानुभूति दिया था, अप्रिशिएट किया था, अप्रिशिएट किया था, अब बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और हमारा विजय, कहाँ से हो? Where are you from? I'm from झारखंड। झारखंड का सोचो साला। उन लोग भी सोचते हैं साला झकड़ी सब एकदम ठेठ वाला है आदमी सब, नहीं लड़की फैन हो गई थी। अरे भाई क्या, यही आदमी है जो चले गए, यही आदमी चलेगा यहाँ पे, यही आदमी साला जंगल नहीं चल पा रहा था। खान काट कर लिया, चार को सीढ़ी में दू, चार को सीढ़ी चढ़ता था, चार घंटा रुकता था। यहाँ देखो ना, 10 आदमी देखा ना। नहीं भाई, लास्ट वाला बड़ी भयानक ठंडा लग रहा था ना, हवा चल रहा था ना, हम जब गए तब ना सब देख रहा है इसे। भाई गर्म पानी से नहा रहे हो? गर्म ठंडा पानी है सबसे खतरनाक। मेरा टाइम जब हम नहाने के अंदर पानी आने लगा सबसे बुरा यार, और यही सबसे पहले धूप उगने का इंतजार कर रहा था, गया धूप उगा और पानी दे दिया। मेरा टाइम पानी आ गया था, भयानक टाइम से इसके साथ गति हो गया, प्रैंक हो गया। नया कलर है